सभी नए पूर्व वक्ता ने ये स्वाभिमान दिवस के रूप में मिलर हाई स्कूल 19 जनवरी को मनाया जाएगा। पूर्व में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बाबू वीर कुमार सिंह के लिए जो काम किया, हम लोग उनका पिछले साल जो 150वां दिवस मनाने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 70 करोड़ रुपया जो हम लोग का समारोह मना बाबू वीर कुमार सिंह जी का, अनेकों जो काम हुआ वीर कुमार सिंह जी का वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक महाराणा प्रताप जी जो वीर योद्धा थे उनको थोड़ा कम किया गया, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 19 जनवरी जो उनका पुण्यतिथि है जोर शोर से इसको मनाने का काम करें। मैं 2 महीना पहले से इसकी तैयारी कर रहा हूं और इसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे और साथ में जो हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष है राज्यसभा सदस्य आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन के इंचार्ज, जनता दल यू संसदीय दल के नेता राज्यसभा में आरसीपी सिंह जी, जनता दल यू के संसदीय दल के नेता ललन सिंह जी, अशोक चौधरी जी, जितने मंत्री हैं संजय झा जी, क्या नाम उनका, विजेंद्र यादव जी, राम जय कुमार सिंह जी, अशोक संतोष कुमार निराला जी, सारे मंत्रीगण रहेंगे और हम लोग पहले से 8 तारीख से आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम लोग के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय महेश्वर सिंह जी, बड़े भाई कृष्णा बाबू, छोटे भाई हमारे अशोक सिंह जो हमारे लोजपा जब इस दल में थे उस समय से हम लोग का संबंध रहा है, मंजीत भाई पूर्व विधायक, राणा रणधीर जी जो पुराने ताकतवर नेता हैं और हम लोग के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग ने सबों ने निर्णय लिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और हम लोग इसमें जुट गए। 8 तारीख से हम मोतिहारी से शुरू कर रहे हैं, 8 तारीख को मोतिहारी, 9 को मोतिहारी, 10 को वाल्मीकि नगर बेतिया और 12 को औरंगाबाद अपना सासाराम इनके यहाँ पुणाम है, उसके बाद 13-14 वहां, उसके बाद थर्ड फेज में गोपालगंज सिवान छपराई करके चौथा फेज में हम लोग उस समय